वेलकम एंड गुड इवनिंग ऑल। इडियम्स एंड फ्रेजेस में आज हम 96 से लेकर 100 तक पूरे 100 आज कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। आज पांच ठीक से पढ़ेंगे। पहला है स्प्लिट हेयर्स। ध्यान रखिए, हेयर्स ही हमेशा यूज करना है। स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना। दूसरा पढ़ेंगे स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ का होगा दूर रहना। फिर है स्टैंड टू वंस गन्स। गन्स हमेशा रहेगा, गन कभी नहीं होगा, तो स्टैंड टू वंस गन्स, डटे रहना हिंदी होगी। फिर सेट असाइड, ठुकरा देना। सेट इन, प्रारंभ होना या शुरू होना। तो पहला जो है स्प्लिट हेयर्स, आप जानते हैं जो हेयर हमारा होता है वो वैज्ञानिक तरीके से बात नहीं कर, नॉर्मली क्या उसको हम बांट सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब बांटना, स्प्लिट मतलब बांटना। क्या हम उसे बांट सकते हैं, तोड़ कर नहीं, बीच बीच से। मतलब एक हेयर है तो इसको क्या दो कर सकते हैं इतना लंबाई का, नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब होता है कि हेयर्स का स्प्लिटिंग करना का मतलब बाल की खाल निकालना। बाल जो आसानी से दिखता नहीं है, दिखता भी है तो उसका खाल निकालना मतलब बहुत ही बड़ी बात है। इसको क्या कहते हैं, क्रिटिक्स, स्प्लिट हेयर्स। क्रिटिक्स मतलब आलोचक, जो आलोचक होते हैं किसी टॉपिक के पक्ष में चाहे विपक्ष में बोलते हैं। सपोज कोई टॉपिक, जैसे टॉपिक अभी तो बहुत महीनों चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट, तो इस पे किसी को कुछ बोलना हो तो आलोचक क्या कहते हैं, इसके अगेंस्ट बोलते हैं, इसके पक्ष में बोलते हैं और इसके अगेंस्ट बोलते हैं। तो आलोचक क्या करते हैं कि बाल की खाल निकालते हैं, मतलब उन बातों पर भी ध्यान दिलाते हैं जो हमें पता नहीं होता है। इसे कहते हैं स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल निकालना। क्रिटिक्स का आप हिंदी याद रखेंगे आलोचक होता है, बहुवचन में है ये, आलोचकों नहीं कह सकते बिकॉज सब्जेक्ट का हम तो आलोचक और यहाँ पे हैं कह देंगे बहुवचन के लिए। नाउ स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब दूर रहना। स्टीयर का मतलब क्या होता है, स्टीयर इसे पढ़ते हैं, स्टीयर मतलब संचालन करना। कोई शिप तो आप जानते हैं समुद्र में उसका एक रूट होता है, रूट पे जाना होता है। क्यों रूट पे जाना होता है, क्योंकि रूट ना आप जानते हैं समुद्र में भी बहुत पहाड़ होते हैं, तो रूट को ऐसे स्टीयर किया हुआ रहता है, क्लियर किया रहता है कि वहां पे शिप आराम से अपने डेस्टिनेशन तक मूव कर सके। तो यही है स्टीयर मतलब आगे बढ़ना, संचालन करना, संचालित होना, कुछ भी कहिए। और क्लियर का मतलब ये जो पाथ क्लियर होता है, तो यही से लाया है स्टीयर क्लियर। और स्टीयर क्लियर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसलिए इसको मैंने यहीं पे जोड़ दिया है, स्टीयर क्लियर ऑफ। तो क्या होगा इसका, दूर रहना। कैसे होगा, यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ माय चाइल्ड, आपको मेरे बच्चे से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से जो सीप जाती है समुद्र में तो जो बाधाएं होती हैं दूर होती हैं, वैसे ही मेरे बच्चे से दूर रहना चाहिए यहाँ पे। तो इस चीज को हमने अपने जो व्यवहारिक जीवन है वहां पे इस तरह से प्रयोग करते हैं, यू मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ माय चाइल्ड। नाउ स्टैंड टू वंस गन्स, बताया आपको कि गन्स ही रहेगा ऑल द केसेस में और हेयर्स ही रहेगा ऑल द केसेस में। तो स्टैंड टू वंस गन्स, गन्स का आप मतलब जानते हैं विचार, सॉरी बंदूक, गन्स का मतलब बंदूक। यहाँ पे इसका मतलब हम विचार समझकर चलते हैं, क्योंकि ऐसे लिखा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि ये विचार ही रखना पड़ेगा। इसका विचार, सिद्धांत, बात कुछ भी रख लीजिए तो आप समझते हैं इसका मतलब विचार रख करके। स्टैंड टू वंस गन्स, ठीक है, डटे रहना। यहाँ पे जो वंस दिया हुआ है ना, इसकी जगह पे कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ही का, हिज होता है, आई का, माइन होता है,
तो ऐसे ही वन का वन भी एक प्रोनाउन कहलाता है, वन का वंश हो जाता है। लेकिन अगर वंश लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पे सब्जेक्ट जिस तरह का होगा, सब्जेक्ट में जिस तरह का प्रोनाउन उसका पोसेसिव प्रोनाउन यूज करना होता है। तो यहाँ पे अगर ही होता तो हम यहाँ पे उसका पोसेसिव प्रोनाउन हीज करते, वन का वंश होता है इसलिए यूज कर लिया है। एक्स्ट्रा जानकारी थी एनीवेज, मतलब यही है कि वंश की जगह पे कोई भी पोसेसिव प्रोनाउन रहेगा, ऐसे मैंने वंश का वंश ही रखा है। स्टैंड टू वंस गन्स, मतलब अपने विचारों पर स्टैंड करना, स्टैंड करना मतलब रहना। आप बातचीत में कहते हैं कि वो अपने विचार पे स्टैंड नहीं करता है, मतलब जो बोला उसको याद नहीं रहता है, मानता नहीं, बोले बात भी नहीं मानता है। तो स्टैंड रहना मतलब स्थिर रहना, विचार पर रहना। जैसे कि मेरा विचार है कि ऑनेस्टी हमें हर काम में करना चाहिए, ऑनेस्टी हर काम में बरतना चाहिए। अब मान लीजिए कि मेरा बैड टाइम चल रहा है, पैसे मेरे पास नहीं है, भूख लगी है, तो क्या फिर मैं चोरी करूंगा? नहीं, अगर मैं स्टैंड टू वंस गन्स रहूंगा तो चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई ना कोई मेहनत का काम ढूंढ कर ही पैसा इकट्ठा करूंगा फिर खाऊंगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंड टू वंस गन्स। वन शुड स्टैंड टू वंस गन्स इन बैड टाइम्स ऑल्सो, सभी को शुड स्टैंड टू वंस गन्स, डटे रहना चाहिए। हिंदी क्या है? डटे रहना, सभी को डटे रहना चाहिए, शुड है, सभी को डटे रहना चाहिए अपने, सभी को डटे रहना चाहिए, बस इतना हो गया। इन बैड टाइम्स ऑल्सो, बुरे समय में भी सभी को अपने, सभी को डटे रहना चाहिए बुरे समय में भी, यहाँ पे हो जाएगा। नाउ सेट असाइड, असाइड मतलब साइड कर देना, सेट मतलब स्थापित करना, मतलब सेट का बहुत सा मतलब होता है। सेट असाइड का मतलब होगा ठुकरा देना। जैसे कोई डिसीजन होता है हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को सेट असाइड कर देती है और अपना डिसीजन देती है। जैसे जैसे था कोई कोई डिसीजन हो गया कि ऑनलाइन क्लास कंपलसरी होना चाहिए, डिसीजन नहीं था ऐसे बता रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास सभी के लिए कंपलसरी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बोले कि नहीं, सबकी मर्जी से होना चाहिए, जिसको मर्जी वो करे, जिसको मर्जी तो नहीं करे। तो क्या कहेंगे? जो हाई कोर्ट ने बोला कि ऑनलाइन क्लास कंपलसरी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बोले कि नहीं, यह वॉलंटरी होना चाहिए, जिसकी मर्जी वो करेगा, जिसकी मर्जी नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के डिसीजन को ठुकरा दिया, सेट असाइड कर दिया। माई ऑब्जेक्शंस वर सेट असाइड, मेरे मेरी आपत्तियां, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति, तो मेरी आपत्तियां वर सेट असाइड, ठुकरा दी गई। जैसे मैं गया स्कूल में, बताया कि स्कूल में यह चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज नहीं किया, मैं जो आपत्तियां थे, ऑब्जेक्शंस थे, उसको ठुकरा दिया, तो बोलेंगे सेट असाइड, मे माई ऑब्जेक्शंस वर सेट असाइड। नाउ सेट इन, सेट इन एक फ्रेजल वर्ब है, जिस तरह सेट असाइड भी एक फ्रेजल वर्ब है, सेट इन भी एक फ्रेजल वर्ब है, और हिंदी होती है प्रारंभ होना, शुरू होना। शुरू होना कुछ भी यूज कर ले सेंटेंस, मतलब शुरू होना, इसको एक्सप्लेन भी करना जरूरी नहीं है, बहुत ईजी है। सेट इन मतलब शुरू होना, जैसे मानसून शुरू होती है, रेनी सीजन शुरू होता है, तो रेनी सीजन विल सेट इन, रेनी सीजन विल सेट इन, रेनी सीजन शुरू होगा, सुन मतलब जल्द ही रेनी सीजन शुरू होगा, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो आज हमने देखा है बहुत इजी इजी आज का है, स्प्लिट हेयर्स बाल की खाल निकालना, स्टीयर क्लियर ऑफ दूर रहना, स्टैंड टू वंस गन्स डटे रहना, सेट असाइड ठुकरा देना, सेट इन प्रारंभ होना। तो हमने अभी आज इडियम्स फ्रेजेज में पूरे सेंचुरी लगा लिया है। थैंक यू वेरी मच।